हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर डाल देंगे दूध। मैंने यहाँ पर ये 1.5 कप दूध लिया है। इसी के साथ साथ हम इसके अंदर डाल देंगे ये 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून ये कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। तो मिल्क पाउडर इसके अंदर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, पर इसको डालने से हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को डाल दिया है, खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इनको ठंडे दूध में ही मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसको रख लेंगे पकने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। तो इसके अंदर हम कोई भी चम्मच चलाते रहेंगे और इसको खूब अच्छे से पका लेंगे, इसके अंदर उबाल आ जाने देंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे और लगातार इसी तरह से इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, हल्का हल्का सा इसके अंदर उबाल आने लगा है। तो बस ध्यान रखें, इसी तरह से इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। और ये देखिए, यहाँ पर इसके अंदर खूब अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। तो मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून चीनी का डाला है। तो इसको हम खूब अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, हम इसको 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। हमारा कस्टर्ड भी अच्छे से पक जाएगा और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुकी है मीडियम फ्लेम पर, और आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको इस तरह से चेक कर लेना, ये देखिए चम्मच की बैक पर ये अच्छे से कोट हो गया है। तो यहाँ पर ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। चलिए, अब हम इसको एक साइड रख लेंगे, इसको ठंडा हो जाने देंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसी तरह से चम्मच चलाते रहे, पूरी तरह से ठंडा कर ले। इधर ये मैंने एक बाउल ले ली है, इसके अंदर डाल देंगे हम ये विप क्रीम। मैंने यहाँ पर ये 1 कप विप क्रीम ली है। तो विप क्रीम हमारी पूरी तरह से ठंडी होनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर ये हम इसको इस तरह से थोड़ी सी तोड़ लेंगे, इसके जो बड़े बड़े पीसीस है उसको हम इस तरह से तोड़ देंगे, हल्के हल्के हाथ से इस तरह से इसको तोड़ लेना है। और बस फिर हम इसको थोड़ा सा विप करेंगे। ये देखें, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा विप कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा, ज़रूर से इंजॉय कीजिएगा। ये रेसिपी आपको और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। देखिए, यहाँ पर ये मैंने क्रीम को थोड़ा सा व्हिप कर लिया है। अब हम इसके अंदर ये कस्टर्ड डाल देंगे, ये भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो सारा का सारा कस्टर्ड हम इसके अंदर डाल देंगे, वापस से हम इसको व्हिप कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए व्हिप करेंगे, ये देखिए इस तरह से। बहुत ज़्यादा इसको विप नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको विप कर लेंगे, 2 मिनट में ही ये तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने इसको 2 मिनट के लिए विप कर लिया है, और ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा फूल भी चुका है बैटर, तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको खूब अच्छे से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर हम सिल्वर फॉइल ले लेंगे और इसको खूब अच्छे से कवर कर देंगे। हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रीजर के अंदर रख देंगे। और ये देखिए, यहाँ पर ये हमारे क्रीम को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं फ्रीजर के अंदर, मैंने इसको निकाल लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये थोड़ी सी जम चुकी है, तो वापस से हम इसको व्हिप करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको खूब अच्छे से व्हिप करेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से व्हिप कर लेंगे, जब तक ये खूब अच्छे से क्रीमी नहीं हो जाती और खूब अच्छे से फूल नहीं जाती। इसी तरह से हम इसको मिक्स करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मैंने इसको व्हिप कर लिया है, अब हम इसको किसी और बर्तन के अंदर डाल लेंगे, जिसके अंदर भी आप आइसक्रीम जमाना चाहते हो उसी के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लेना। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर खूब अच्छे से इसको कवर कर देंगे, ये देखें, वापस से हम इसके ऊपर ये सिल्वर फॉइल लगा देंगे और बस इसको हम 4 घंटों के लिए फ्रीजर के अंदर छोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी आइसक्रीम को रखे हुए 4 घंटे हो गए हैं, तो ये बिल्कुल तैयार है। 5 मिनट के लिए हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद ये थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाएगी, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें,
बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की ये हमारी आइसक्रीम बनी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको ज़रूर से बनाइएगा, ज़रूर से इंजॉय कीजिएगा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और इसी तरह की आसान रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सी ये हमारी कस्टर्ड आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप भी इसको ज़रूर से बनाइएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने आइसक्रीम निकाल ली है, तो आप इसके ऊपर चाहे तो चॉकलेट सिरप डाल सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने एक आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट सिरप डाल दिया है, दूसरी वाली के ऊपर हम ये थोड़े से स्प्रिंकल डाल देंगे, और तीसरी वाली के ऊपर हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे। आप इसको जैसे चाहे वैसे गार्निश कर सकते हो। तो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी, ज़रूर से बनाएं, ज़रूर से इंजॉय करें, और इसी तरह की आसान रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।